नमस्ते दोस्तों। दोस्तों महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं जो 17 सितंबर को समाप्त होंगे। महालक्ष्मी व्रत का आखिरी दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन विशेष पूजा अनुष्ठान व्रत उपाय टोटके किए जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति अमीर बनता है, उसे बेशुमार धन दौलत यश कीर्ति मिलती है। लिहाजा 17 सितंबर को महालक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए, विधि विधान से पूजा करना चाहिए। आइए जानते हैं पूजा विधि। वैसे तो ये व्रत 16 दिन के होते हैं और ये पूरे व्रत किए जाते हैं। इस दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और आखिरी दिन यानी कि 16वें दिन उद्यापन किया जाता है। लेकिन जो लोग 16 दिन के व्रत नहीं रख पाते हैं वो आखिरी दिन महालक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आखिरी के 3 दिन वो व्रत रखें। महालक्ष्मी व्रत के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले। बेहतर होगा कि इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने। इसके बाद शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल की सफाई करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर केसर मिश्रित चंदन से चौकी पर अष्टदल बनाकर उस पर अक्षत डालें और जल से भरा कलश, श्रीयंत्र, दक्षिणवर्ती शंख स्थापित करें। साथ ही हल्दी से कमल बनाकर उस पर हाथी पर बैठी हुई माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने चांदी के सिक्के कौड़ी रखें। उन्हें कमल के पुष्प, अक्षत, चंदन, लाल सूत, सुपारी, नारियल अर्पित करें। व्रत दिन माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा आराधना करना चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ जैसे खीर, मेवे की मिठाई आदि का भोग लगाएं। और इस दिन महालक्ष्मी व्रत की कथा अवश्य सुने। ऐसी मान्यता है कि अगर महालक्ष्मी की कथा जातक नहीं सुनता है तो उसका पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए व्रत को करें तो इसकी कथा जरूर पढ़ें या सुने। आखिर में गाय के शुद्ध घी के दीपक से माता लक्ष्मी की आरती करें और अपने भूल चूक की क्षमा मांगें। नमस्कार दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बहुत धन्यवाद।